बैक ट्रेडर मारी। सो लेट्स सी आज मार्केट ने कैसे मूव करा और कल हम क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं हमने मंडे को क्या डिस्कस करा। हमने मंडे को डिस्कस करा था कि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया, इसको नीचे ब्रेक करता है तो हम एक अच्छा डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। बट हमने ये भी डिस्कस करा था कि कोई भी अगर हमें गैप अप देखने को मिलता है तो हम वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन फॉर्म होने का। तो हमने ट्यूसडे को जो कल देखा, हमने देखा कि गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद सीधा ऊपर गया, उसके बाद उसने नीचे आया प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए रिट्रेसमेंट में। और जिस जगह पे हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे मंडे को कि अगर यहाँ से वापस मूव देता है तो हम लेते हैं, उसी जगह इसने डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया और एक बेस बनाया। उस बेस से इसने दोबारा वापस ऊपर एक रिवर्सल दिया, तो एक अच्छी ट्रेड कल ये यहाँ पे बन रही थी। फिर अगर हम आज की बात करें तो फ्लैट ओपनिंग, इतनी कोई बड़ी ओपनिंग नहीं मिली, उसके बाद एक इधर रेंज बनाई है इस फर्स्ट 3 कैंडल की और हमारी एंट्री बन रही थी इसके इधर। अगर हम सेम बात करें जो हमने इधर बात करी कि जहाँ से हम रिवर्सल रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे, वही सेम कल के हाई पे आके इसने दोबारा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया जहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी आज, और उस डब्ल्यू पैटर्न से सीधा एक अच्छा अपवर्ड मूव दिया है। और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 17,800 इतना आज 2 बार तोड़ देगा या फिर इतना इजिली एक झटके में लगातार चलाता चला जाएगा, पर वो चला गया। और जो 17,800 है वो है मंथली लास्ट मार्च की डोजी कैंडल का हाई, तो उसको आज इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है। अब हम देखते हैं हम कल क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम कल मूव की बात करते हैं तो एक जो चैनल में मूव करा है आज मार्केट ने, आज और कल एक इस चैनल में मूव कर रही है कि यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लेके फिर गिर जाती है, फिर यहाँ गई रेजिस्टेंस ले फिर गिर गई, फिर यहाँ पे चैनल के लो पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली गई। तो हम या तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल अगर इस साइड कहीं अब गैप अप खुलता है तो यहाँ से एक अच्छा डाउनवर्ड देखने मिला, फिर यहाँ और कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत कम है और उस प्रीमियम पे लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजिशन लेके अच्छा हेज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये जो अच्छी मूवमेंट मिल रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी बहुत बेकार है, फिर निफ्टी बहुत बेकार है, रेंज में मूव कर रहा है, निफ्टी में अच्छी मूवमेंट मिल रही है। जब भी ग्रीन कैंडल आती है तो अच्छी 3-4 बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, तो यही कल लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उससे एक दूसरा चैनल देखते हैं उससे बड़ा, ये अगर हम 15 मिनट्स में देखते हैं तो निफ्टी एक लगातार एक अपवर्ड चैनल में, असेंडिंग चैनल में मूव कर रहा है। और ये चैनल देखो इधर से शुरू हुआ, इधर टॉप पे जाके फिर नीचे आ गया मिड तक, फिर टॉप गया, फिर मिड, फिर टॉप गया, फिर डाउन तक आ गया, अब डाउन पे ही सर्वाइव कर रहा है। तो या तो कल निफ्टी इस चैनल को जो अभी छोटा चैनल बना है इसको थोड़ी रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिर के फिर इसी रेंज में घूमे, या फिर अगर इसने इसको तोड़ा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक मूव, 7950 तक मूव। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव करती है, बट ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है इस टाइम पे। अब इस चैनल को अगर नीचे भी तोड़ता है तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है 7600 7650 तक। नाउ लेट्स सी मार्केट कल कैसे परफॉर्म करती है। थैंक यू।